हाथरस कांड का नया वीडियो वायरल। श्रद्धालुओं को धमकाते हैं बाबा के सेवादार। बाबा के कमांडो की डरावनी तस्वीर आई सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। हाथरस में भोले बाबा के पंडाल में मासूम और निर्दोष लोगों की मौत के बाद से ढोंगी बाबा फरार है। 80,000 लोगों की अनुमति मांगकर 2.5 लाख लोगों को सत्संग में बुलाकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला ये बाबा इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसके सेवेदारों की करतूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, कैसे सेवादार भक्तों से वीडियो बनाने को मना कर रहा है। वो सिर्फ मना ही नहीं करता है, फोन छीनने तक की कोशिश भी करता है। देखा आपने कैसे बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं को धौंस दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान निजी गार्ड लोगों को मोबाइल से वीडियो बनाने से रोक रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा के कार्यक्रम के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, लेकिन पहुंचे 2.5 लाख के करीब। उसमें निजी सुरक्षा कर्मियों का जबरदस्त घेरा, सभी लाठी डंडों के साथ वहां मौजूद दिखाई दिए। जब लोग वीडियो बना रहे थे तो सुरक्षा कर्मी उन्हें धमकी दे रहे थे, क्योंकि ये सच छुपाना चाहते थे। वीडियो में दिख रहा है कि पहले बाबा के निजी सुरक्षा कर्मी धौंस दिखाते हैं और वीडियो बनाने से रोकते हैं और कहते हैं फोन बंद करो। दरअसल वीडियो बनाने वाला भी इतनी भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। खेतों में पानी भरा हुआ है और लोग गीले खेतों में खड़े हैं, क्योंकि इन सभी के आंखों पर बाबा की भक्ति की काली पट्टी बंधी हुई है। दरअसल बाबा के सत्संग में किसी को फोन ले जाने की अनुमति नहीं होती, ना वीडियो बनाने की अनुमति होती है। बाबा की खुद की आर्मी वहां मौजूद रहती है, जिसमें एक कमांडो की टीम पुरुष की तो दूसरी महिला कमांडो की टीम शामिल रहती है, और ये लोग भक्तों के साथ गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। हाथरस में बाबा के सेवेदारों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।